तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है जो सीरीज चला रहे हैं हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में जीएस जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे इसमें कह रहा है पानी का संबंध फिल्टर से उसी प्रकार है जैसे फिल्म का संबंध से है। तो देखिए, पानी को हम लोग फिल्टर करते हैं और फिल्में जो फिल्टर होती हैं जिसमें गलत सीन को हटाया जाता है तो वो सेंसर के द्वारा हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है लेजर प्रिंटर की गति को रिक्त स्थान में मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृष्ठ प्रति मिनट में नापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथे पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है वेब पेज पर दिखने वाले एक रिक्त स्थान पर क्लिक किए जाने पर एक अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर पांचवे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है बेजोड़ शब्द चुनिए, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए भीमसेन जोशी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, बी आर अम्बेडकर हैं और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया हैं। तो देखिए ये विश्वेश्वरैया चौथा ऑप्शन और बी आर अम्बेडकर और ये भीमसेन जोशी, इन तीनों लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है लेकिन सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला, इसलिए ये जो भिन्न हो जाएंगे यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भिन्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। इसमें अगर भारत में स्थापना की सहमत और संचालन की सहमत निम्नलिखित में से किस कानून के तहत आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। फिर हम लोग आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है, तो देखिए जो एल्गी होता है वो ताजे जल में पाए जाते हैं जो सर्वाधिक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। फिर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप लोगों के पास टाइम कम है इसलिए हम स्पीड में क्वेश्चन करवा रहे हैं कि कम से कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो इस वीडियो में 55-56 क्वेश्चन होंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक सेट में, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन में 50 देखो दिए रहते हैं, 50 क्वेश्चन सिलेबस में दिए हैं लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो देखिए रीजनिंग में छोड़ देते हैं, जैसे साइंस के क्वेश्चन को एनालॉगी बना दिए या साइंस के क्वेश्चन को उसमें इवन आउट फाइंड करने के लिए बोल दिया गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब बना देते हैं। तो इसमें दे रखा निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो देशबंधु नाम से यहाँ पर चित्रंजन दास प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर बात करें जो दादा भाई नौरोजी हैं, तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, ठीक है। तो वहीं पर हम लोग बात करें ये जो मदन मोहन मालवीय हैं इनको महामना बोला जाता है, ठीक है। वो महामना की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था, तो ये 1998 में ये पद सृजित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है अवध किसान सभा की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी, तो अवध किसान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसको बताना है। तो अवध किसान की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धोंडो केशव कर्वे ने। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिलिका। फिर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंडल आयोग ने सिफारिश की थी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा उस युग्म का चयन कीजिए जो शब्दों के मूल युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर देखिए सिस्मोग्राफ भूकंप को नापता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से बताना है कि ये हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को नापता है इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, और विस्कोमीटर जो है ये विस्कोसिटी को नापता है मतलब श्यानता को मापता है, और फायदोमीटर जो है ये महासागर की गहराई को मापता है, लेकिन जो यूडोमीटर है ये वर्षा को मापता है, तो ये सही हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी और आरबीआई द्वारा।
फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कह रहा गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 42 सदस्यों को यह पदक दिया गया था। फिर हम लोग 18 पे चलते हैं, इसमें कह रहा चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल जो है यह यमुना नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कह रहा दामोदर ब्राह्मणी और खरकाई नदियाँ भारत में रिक्त स्थान राज्य से निकलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं और ये सीजनल नदियाँ हैं, मतलब बारिश में ये इसमें जल भराव होता है और बाकी के दिनों में मतलब ये सूखी पड़ी रहती है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 20 पे, इसमें कह रहा उत्तर प्रदेश को पहले रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहले नाम था हमारा यूनाइटेड प्राविंस, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। लेकिन यूनाइटेड प्राविंस कब बदला गया है, तो ये 1950 में यूनाइटेड प्राविंस से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, और फिर यही से एक और क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब अलग हुआ था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, जो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, जो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 में, कह रहा रिक्त स्थान राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसमें कह रहा पंचायत राज के संबंध में निम्न में कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है। ठीक है, तो यहाँ पंचायत राज के संबंध में प्रावधान कौन सा इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायतों के लिए निर्वाचन 243A, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्रिका युगांतर से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4, वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा 24 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें कह रहा फेडेक्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोल्फ से संबंधित है फेडेक्स कप। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मालदीव, मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, और मालदीव की राजधानी माले, नेपाल की राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चावल। चावल जो है तमिलनाडु केरल में वर्ष भर उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की भरपूर मात्रा है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 27 पे, इसमें कह रहा है पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह ऋग्वेद से का सूक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद की अगर बात करें, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पहला वेद है और सबसे प्राचीन वेद भी है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमारा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में 10,527 मंत्र हैं, ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का अनुभवी था जो क्रिकेट से भी जुड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एलन बार्गेस। ठीक, तो एलन बार्गेस जो है ये न्यूजीलैंड से हैं, और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक टैंक चालन के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो इसलिए ये द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी क्रिकेट प्लेयर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखा, जनवरी 2022 में पोंगल के अवसर पर किस जिले में तमिलनाडु के बुल टेमिंग खेल जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मदुरई में जल्लीकट्टू का खेल आयोजित किया गया था 2022 में जनवरी में ये। और फिर यहाँ पर पूछ रखा है 31 नंबर क्वेश्चन में, अकबर द्वारा स्थापित तौहीद ए इस्लामी का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका मेन उद्देश्य था एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुसलमानों और हिंदुओं को स्वीकार्य हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसमें कह रहा है रिक्त स्थान डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीन के लिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे, तो इसमें कह रहा 1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या में कौन सी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक, तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, इसमें कह रहा दिसंबर 2021 में स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया है। इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फाल्कन 9 जो है इस रॉकेट का उपयोग किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा स्टारलिंक
के जो उपग्रहों को भेजने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक इंटरप्लेनेटरी मिशन से जुड़ा हुआ है जो कि CVT-2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है मिश्र धातु कांसा के घटक क्या हैं। ठीक है, तो मिश्र धातु जो कांसा होता है ये कापर और टिन के द्वारा मिलकर बनता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कापर और टिन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए कापर और चांदी जो सिल्वर है इसको मिलाने से क्या बनता है, तो इसको मिलाने से स्टर्लिंग, एक धातु का नाम है स्टर्लिंग, ये बन जाती है यहाँ पर। फिर अगर यहीं पर आपसे बात करें जिंक और कापर को मिला दिया जाता है तो पीतल धातु का निर्माण होता है, पीतल मिश्र धातु का निर्माण होता है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें कह रहा है दिसंबर 2021 में गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संध्याक, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध ने इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशी नगर में। तो यहीं पर अगर आपसे बात करें कि लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। और सारनाथ में क्या किया गया था, तो पहला उपदेश यहीं पर हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में लिखा था, और जन्म लुम्बिनी में हुआ था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो इसमें कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था या कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 940। ठीक है, तो लिंगानुपात 940 का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर केवल 940 लड़कियां भारत में हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और वहीं पर अगर बात करें जब 2001 में जनगणना हुई थी तब वहां पर ये 1000 पुरुषों पर केवल 933 लड़कियां थी। ठीक है, तो उस टाइम 2001 का जो लिंगानुपात था वो 933 और जो 2011 का 940 था। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में, इसमें कह रहा है जीवों के नामकरण का मानकीकरण करना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम पद्धति। फिर हम लोग 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा कानून लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। फिर हम लोग 42 पे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके साथ मिलकर दुनिया के पहले इंटरकनेक्टेड सौर ऊर्जा ग्रिड के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरिस जॉनसन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 43 पे। इसमें कह रहे हैं नवंबर 2021 में अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना किसने शुरू की, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। ठीक है, तो अमित शाह इस समय प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाल रहे हैं, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें कह रहा है रिक्त स्थान मिट्टी को सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें सबसे अधिक उपजाऊ विशेषताएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोट मिट्टी में, क्योंकि जलोट मिट्टी जो होती है नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है उसी को हम लोग जलोट मिट्टी बोलते हैं, तो नदियों में काफ़ी सारे हमारे उर्वरक होते हैं इसलिए इसमें उर्वरक की अधिक विशेषताएँ होती हैं। और काली मिट्टी जो होती है देखिए ज्वालामुखी से निकल के जो लावा निकलता है उससे बनती है, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 45 नंबर पर। देखा सितंबर 2021 में ब्रजेश चंद्र मिश्रा का निधन हो गया, वे निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधान सचिव थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के, एक ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग 46 नंबर पर चलते हैं। इसमें कह रहा भारत को संविधान द्वारा रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का एक संघ, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से किस इकाई का उपयोग प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, तो डाइन का उपयोग प्रतिरोध को नापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर पास्कल, तो पास्कल को आपको पता है दाब या प्रेशर को नापने के लिए, और न्यूटन प्रति मीटर वर्ग स्क्वायर इसको भी हम लोग दाब नापते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो ये इकाई है ये दाब की इकाई है या पास्कल बोल सकते हैं आप। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा 48 नंबर क्वेश्चन पे, क्या पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। फिर हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा करलापथ वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें कह रहा कौन सा पादप कीटों को फंसाता है और भोजन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटपर्ड़ी, पौधा जो है ये कीटों को फंसा लेता है और उसके बाद उसी का भोजन बना लेता है, तो इसका आप लोग फोटो देख लिए घटपर्ड़ी पौधे का। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 51 पे। इसमें क्या
कह रहा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविशन और जर्मन प्रयोग से। ठीक है, तो डेविशन और जर्मन प्रयोग से, तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो इसमें कह रहा है तपेदिक, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, निम्न में से किस संक्रमण कारण के कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो टीबी जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी के जो मरीज होते हैं, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है इनको, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के मरीजों को। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, ऑप्शन नंबर 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा आईपीएल 2020 का स्थान वेन्यू है? देखिए 2020 का जो आईपीएल था वो कोविड-19 के कारण इंडिया में नहीं हो पाया था, तो यही 2020 का आईपीएल जो है 21 में खेला गया था, 2021 में खेला गया था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, इसमें कह रहा कावेरी नदी का उद्गम होता है, तो ये कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कह रहा कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? ठीक, तो 1911 में दिल्ली की राजधानी, सॉरी भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। तो इस तरीके से इस वीडियो के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, तो कल हम फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाएं, जिससे कि हम आपके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखें और पर डे एक नई वीडियो लाते रहें इसी तरीके से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।